फिल्मी सितारे अक्सर आते रहते हैं, हाँ। लेकिन आज जो सितारे आ रहे हैं वो भी फिल्मी है, ऐसी बात नहीं, लेकिन उनमें कुछ हटके है। ज्यादा तारीफ ना करते हुए, ज्यादा समय ना लेते हुए, मैं बताना चाहूंगा कि आज हमारी मैगजीन में इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं द टैलेंटेड नवाजुद्दीन सिद्दीकी और हुमा कुरैशी। जोरदार तालियां दोनों के लिए। नवाज भाई आइए। हुमा जी हाय, प्लीज। आंधियों में भी चरागों को जला देता है, जिसको देता है उसे दिल से दुआ देता है। ये नई सुबह का सूरज है, इसे गौर से देख, फिल्म वालों को ये अंदाज नया देता है। नवाज भाई, हुमा, आज हमें वाकई में दिल से बड़ी खुशी है कि आज यहाँ पर हमारी मैगजीन के में इंटरव्यू के लिए आए हैं। और जैसा कि सब जानते हैं, आप कई साल तक बॉम्बे में स्ट्रगल करते रहे और इन बिटवीन आप घर नहीं जाते थे, ऐसा क्यों? वो ये घर क्या मुंह लेके जाता था, गांव वाले बोलते कि आ गया खाली हाथ। तो आप लड्डू ले जाते एक किलो। आप लड्डू ले जाते। तो ये आप कितने साल तक फिर गांव नहीं गए? मैं मेरे ख्याल से कोई चार पांच साल तक वापस नहीं, गांव नहीं गया था मैं। फिर एक टीवी सीरियल में काम मिला मुझे छोटा सा, तो तब गया मैं। और तब भी इसलिए गया, तो वहां पे मेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी कि उसको पता चल जाए, क्योंकि उसको प्रॉमिस करके आया था मैं। छोटा सा रोल था टीवी में, बहुत छोटा सा रोल था, तो वो करके गया था। लेकिन जब मैं गया उसको बताने के लिए, तब तक उसकी शादी हो गई थी एक मौलाना से। छोटा था, उसको दिखा भी नहीं सकता था मैं। स्ट्रगल करते करते कितनी काटी सजा, भाई मेरा बॉम्बे में रह गया, मौलाना ले गया मजा। और नवाज भाई, हुमा, प्लीज यहाँ पे विराजिए, बिकॉज आज मेरे साथ साथ इस स्टूडियो में आपके बहुत सारे फैंस हैं जो आपसे बहुत सारे सवाल करने वाले हैं, बहुत सारा आपको हंसाने भी वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ एक्टर होते हैं स्क्रिप्टेड, कुछ होते हैं बियॉन्ड द स्क्रिप्ट, जैसे कि मैं। जोक सपाट, बट आई वॉज सीरियस। तो सबसे पहले मैं नवाज भाई को ऐसे ही मैं कुछ सिचुएशन देता हूं भाई, आपको आपको एक्ट करना है उस पर। आपका कोई डायलॉग नहीं होगा, सिचुएशन कोई भी हो सकती है, डायलॉग कोई भी हो सकता है। तो आप लोग देखना चाहेंगे? तालियां हो जाए एक बार फिर। थोड़ी लाइटिंग थोड़ी सी ऐसी डिम कर दो कि जंगल का माहौल बनाना चाहता हूं मैं। जंगल में मंगल करना चाहता हूं। जंगल कहा ना, जो चिरापूंजी ले गया हमें। बारिशें भी आनी शुरू हो गई। अब मैं पीछे हट जाऊंगा, हाँ। मैं अपना वॉइस ओवर दूंगा। अब नवाज भाई जो करेंगे ये इनकी मर्जी। हाँ। एक अकेला गरीब आदमी सड़क पे चला जा रहा है, भूख लगी हुई है। नहीं, पेट दर्द नहीं हो रहा, भूख लगी है। भूख लगी है, जेब में पैसे नहीं है, 5 ही रुपए हैं, उसकी भी सिगरेट पीनी है। ठन ठन पाल बदल गोपाल। सडनली देखा 5 भी नहीं है, वो पहले पी गया। गरीब आदमी फिर चलता है, इधर उधर देखता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। गरीब आदमी परेशान हो गया। सडनली उसे भूख तेज लग गई। उसका दिल किया कि इतनी भूख लगी है, क्यों ना जो पीछे लड़की बैठी उसको छेड़ दूं। फिर उसको याद आया कि भूख खाने से ही मिटती है। गरीब आदमी खड़ा ही टैलेंटेड है, खतरनाक एक्टर है। वो खड़ा है सड़क पे कि शायद कोई बड़ा सा डायरेक्टर आए। सडनली सामने से करण जौहर आए। गरीब आदमी जाके हाथ मिलाता है, कहता है सर मैं आपका बड़ा फैन हूं। और वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपनी फिल्म में लूंगा,
गरीब आदमी खुश होते होते रह जाता है। मैंने तो नहीं करनी तुम्हारी फिल्म, मेरे को रियलिस्टिक फिल्में करनी है, मेरे को रोमांटिक सीन नहीं करने हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी खड़े, सनी लियोनी नहीं। ये क्या आपने बैकग्राउंड म्यूजिक दिया? एक बार जोरदार तालियां नवाज भाई के लिए। हुमा, आपके लिए हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके फैंस भी जानना चाहते हैं। मैं तो आपका फैन हूं ही। सबसे पहले तो आप एक बात कहनी चाहूंगा कि आप काले सूट में पटाखा लग रही हैं। थैंक यू, थैंक यू भैया। नहीं तो आजकल की ये मुझे भैया कह रही, उनको पता नहीं मैं अमृतसर से हूं। हुमा, आपके बहुत सारे फैंस इस टाइम स्टूडियो में मौजूद है, नवाज भाई आपके भी, और ये सब आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि एक एक करके आप लोग जिसका दिल करे जी प्लीज। सर, मेरा नाम दिव्या है, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आपके ऐसे फेवरेट कौन सी हीरोइन है जिनके साथ आप काम करना पसंद करेंगे? मुझे पता है किसका नाम लेंगे, जो साथ में बैठी हुई। थोड़ा नॉर्मल वैसे आपने सवाल पूछे जी नवाज भाई। इनके साथ तो कर चुका जी, हर आदमी इम्प्रूव करना चाहता है, मैं भी चाहता हूँ कि अब बहुत टैलेंटेड है नो डाउट हुमा, और मैं इनके साथ दोबारा भी काम करना चाहता हूँ। और बहुत सारी हीरोइनें जी जो खूबसूरत, जितनी भी खूबसूरत हीरोइनें हैं सबके साथ काम करना चाहता हूँ। हाँ, कौन सी भाई? मेरे ख्याल से तो कोई ऐसी एवरेज, मतलब सब बहुत खूबसूरत हैं, जितनी हीरोइनें सब खूबसूरत हैं। हाँ, सबके साथ काम करना चाहता हूँ। तो आपको सब खूबसूरत लगती हैं? मुझे सब खूबसूरत लगती हैं। तो मिसिज मौलाना जी, अगर आप मेरी आवाज को सुन रही हो तो आपने ठीक किया, क्योंकि आप टाइम पे निकल गई। मिसेस मौलाना, वाह, इनको तो सब खूबसूरत लग रही है। और कुछ आप पूछना चाहे तो? थैंक यू सर। हाउ स्वीट, थैंक यू। और कोई ऑडियंस में से प्लीज जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, आपको भी। हाँ, मुझे भी, क्यों नहीं भी। मैम से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि मैम आप किस तरह का बॉयफ्रेंड या फिर किस तरह का हस्बैंड चाहती है? ये भी नहीं कह सकती कि मुझे हर तरह के लड़के अच्छे लगते हैं, क्योंकि इनका सवाल ही डिफरेंट है। सो प्लीज मैम, समवन विद अ सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने जी। आपके अच्छे काम भैया, जोर से खासा। सारी कर लो यार, आप ही खुद ही कर लो। सॉरी सॉरी सॉरी, ओ मैं उन्होंने कह दिया, उन्होंने कह दिया। हम लोग शो बना रहे हैं लोगों को एंटरटेन करने के लिए, राखियां बंधवाने के लिए। जी, तो पहली चीज हुमा ने कहा कि सेंस ऑफ ह्यूमर और गुड लुकिंग। जी, टॉल तेरी। भैया ढूंढ दो ना। भैया प्लीज। भाई बुला रही हैं आपको। इनकी क्वालिटीज में हम दोनों कहीं से नहीं आते। ऐसा क्यों हुमा, क्या क्या चाहिए आपको अपने होने वाले पति में? ये नवाज भाई है, आप वैसे वाले भाई है। आपने बड़ी इज्जत नवाजी हम दोनों को वैसे। दिल टूटे टूटे हो गया। तो इन्होंने तीन चीजें बताई कि सेंस ऑफ ह्यूमर, गुड लुकिंग, टॉल होना चाहिए। लंबा क्यों, आपने जामुनू तुड़वाने उसको? क्या कर रहे हो? सवाल क्या समझ के पूछा था आपने? ऐसे ही सर, मेरे को लगा कि पूछ लेना चाहिए, क्योंकि ये जो आपने डीप नेक ब्लाउज पहना ना, टी-शर्ट में, आपने तो हुमा से पूछ लिया, आपको कैसी लड़की चाहिए? हुमा जी जैसी जो दिखती हो, क्योंकि एक्चुअली मेरी फेवरेट एक्टर्स है, तो
इसलिए लाइन बड़ी लंबी है। ये बात पिछले एपिसोड में तुमने विद्या बालन को भी कही थी। जी और हेलो सर, हेलो मैम, आई एम विकास नेगी। आई डोंट वांट टू आस्क एनीथिंग, आई डोंट हैव जोक्स फॉर यू। व्हाट आर यू सेइंग फॉर यू? कहूंगा जी, नॉट फॉर सर। मेरा हार्ट हुआ है ब्रेक, उसमें रहता है बहुत पेन, लेकिन जब से आपको देखा आई वॉन्ट टू लिव अगेन। उमा आपका हुसन है लाजवाब, आप है खुदा की देन, आप पे फिदा हुए मेरे दो मस्त मस्त नैन। थैंक यू। आप पे फिदा हुए मेरे मस्त मस्त दो नैन, मेरे साथ साथ ये आपकी भी हो गई बहन। मेरा बेड़ा कर को मैं सबका करवाऊंगा। मैं हूं ही ऐसा। शादी हो गई आपकी? अभी तक तो नहीं। कभी कभी ताए बाहर आ रही हैं। एक बार शादी हो गई ना, सांस भी नहीं ठीक से आती। एक मेरे मन में सवाल है सिद्धू भाजी। दो 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 उमा, मेरे मन में एक सवाल है। आपने अलग अलग तरह की फिल्में की, जैसे आपकी पहली फिल्म थी गैंग ऑफ वासेपुर, तो वो बड़ी हिंसा थी उसमें, मार धाड़ थी। उसके बाद में आपने एक कॉमेडी फिल्म की लव शब्द चिकन खुराना, उसके बाद आपने एक और फिल्म की हॉरर फिल्म, एक थी डायन। तो ये आप साबित क्या करना चाहती हैं? तीनों फिल्म्स हैं तो पहले में काटते हैं, चिकन खुराना में पकाते हैं और डायन खा जाती है। वाह। तो कहने का मतलब है ये लड़कियों की नवजोत सिंह सिद्धू है। क्रिकेट भी खेल लिया, कमेंट्री भी कर ली, पॉलिटिशियन भी बन गए, जज भी बन गए, दोनों के लिए तालियां मिलती है। हुमा, मैं यहाँ बहुत सारे लड़के हैं जो आपसे शादी करना चाहते हैं। एक्चुअली नहीं, ये मेरा नहीं, उनकी फीलिंग है। मेरे को तो आप इनाम दे चुकी हैं। तो वो कहाँ गए वो तीनों लड़के? हैं? छोटू को सबसे ज्यादा जल्दी है। पहले बड़ा तो हो ले अच्छी तरह। आजा आजा, बड़ा तो हो ले अच्छी तरह। तुझे तो मेरी तरफ से ना चल। जा जाके ग्लूकोज लगवा कहीं। कॉन्फिडेंस देखो बंदे का। तुम्हें ही आना था, मैं मर गया हूं, मैं ना जाता। डेमोक्रेसी का गलत फायदा नहीं उठाना। आप हुमा से शादी करना चाहते हैं। आपको पता हुमा के पापा के रेस्टोरेंट में आपसे बड़े बड़े कबाब होते हैं। जी ये भी है, आइए आइए। ये गरीबों का बिंदु दारा सिंह है। आप तो फिल्म लाइन में बड़ा अच्छा करियर बना सकते हैं। आप ड्रैकुला में काम करिए आप। तो भाइयों, सबसे पहले एक एक करके अपना नाम और उम्र बताइए। आपका नाम? मेरा नाम नील है। नील? नील अभी तो थोड़ी देर में लाल होने वाला है। उम्र क्या है? 17 साल। 17 साल? अबे तेरा तो वोटर कार्ड नहीं बना तू। आपका क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम जिगर है, मैं 19 साल का हूँ। जिगर, तो ये आपका फेस कट बड़ा अच्छा है, तो कुदरती है कि ऐसे जोर से मार के किया था? कुदरती है। कुदरती है। विजय शर्मा है। आपके मन में ऐसा क्या आया कि जो आप आ गए स्टेज पे? मैं कब मैम को पिक्चर में भी देखा, गैंग ऑफ वासेपुर में, मेरे को बहुत मैम अच्छे लगते हैं। गैंग ऑफ वासेपुर तो करोड़ों लोगों ने देखी, अब सबके सब आ जाए यहाँ पे। नहीं सर, ऐसा नहीं है। तो मैम अच्छी लगती है इसके लिए। मुझे भैया बोला था ना, अब भुगतो। अभी आप बताइए मुझे एक बात, मान लीजिए खुदा का कहर ही होगा वैसे, पर मान लीजिए अगर शादी हो गई,
मेरे तो किस्मत ही खुल गई सर। तुम्हारी खुल जाएगी ना, उनकी जो बंद होएगी वो। अच्छा घूमने कहाँ जाओगे? जिधर क्या, जिधर मैम को अच्छा लगेगा उधर जाएंगे हम लोग। जिधर उनको अच्छा लगेगा। हाँ। वो बोलती मैं अपने घर जाऊंगी तो अपने जा। नहीं सर ऐसा नहीं, वो मेरे घर पे आएगी ना। उमा ने पहली शर्त ये रखी थी कि लड़का जो है हाँ हैंडसम के साथ साथ उसकी सेहत अच्छी होनी चाहिए। तो आप में से जो ज्यादा पुशअप्स करेगा यहाँ पे। हाँ। आपने ऐसे लेट रहे दंड लगाने, दंड आपने दंड पेलने पता है ना। तो जो अच्छा लगा उसको पीछे से ह्यूमा खींच लेगी। जिसको आधे घंटे तक नहीं बुलाया वो खुद ही आगे निकल जाना। आइए आइए इधर लेट जाइए। मैं स्टार्ट करूंगा। शर्म नहीं आती, बच्चों से मेहनत करा रही हूं। शर्म नहीं आती। तो ये बच्चे शादी करने आए तब बच्चे नहीं थे ये। उमा आप आगे देखेंगे यहाँ पे कुछ चीटिंग ना करें प्लीज। देखिए आपके भविष्य का सवाल है। क्या हुआ? इतना आपका सगा भाई नहीं करेगा जितना मैं कर रहा हूँ आपके लिए। लड़का ढूंढ रहा हूँ, श्रेयम समंबर हो रहा। हाँ जी आइए। 1 2 3 स्टार्ट। खुशी होगी कि आज का मुकाबला जीतते हैं आप, और आपको यह जान के और खुशी होगी कि मैं मजाक कर रहा था। जाइए।